नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर नई जानकारी नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी मोटिवेशनल है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक नागिन का बदला है। ये कहानी एक किसान और एक नागिन की कहानी है। बहुत पुरानी बात है, एक बार एक किसान अपने बैलों से एक खेत को जोत रहा था। खेत के किनारे एक बाग भी था। किसान लगभग पूरा खेत जोत चुका था। किसान ने जैसे ही बाग वाली साइड खेत की मेड़ की तरफ हल लगाया, प्रिय दर्शकों, किसान से बहुत बड़ी चूक हो गई थी। यह चूक किसी की जान ले चुकी थी। यह जान किसी और की नहीं बल्कि एक नाग की थी, एक सांप की थी। किसान के हल से नाग कट चुका था। प्रिय दर्शकों, यह सब देखकर किसान वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाता है, लेकिन अब क्या, सांप तो कट चुका था। प्रिय दर्शकों, किसान सोचता है नाग तो कट गया, कहीं और नाग नागिन तो नहीं है। यह सोचकर वह किसान कुदाल से मिट्टी को हटाने लगता है। इतने में उस किसान को एक छोटा सा नाग का बच्चा दिखाई दे जाता है, जो अभी चल भी नहीं सकता था। प्रिय दर्शकों, जो नाग किसान के हल से कटा वह पूरी फैमिली के साथ वहाँ रहता था, लेकिन नागिन उस समय वहाँ पर नहीं थी, वह कहीं घूमने गई थी। यह नागिन नाग का जोड़ा इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा था। प्रिय दर्शकों, किसान ने सोचा कि अब तो इस नाग के बच्चे की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। यह सोचकर वह नाग के बच्चे को अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को पूरी बात बताता है, और वे दोनों पति पत्नी मिलकर उस नाग के बच्चे का अच्छी तरह से लालन पालन करते हैं। उधर नागिन जब घूम फिरकर अपने स्थान पर आती है तो वह अपने पति अर्थात नाग को मृत अवस्था में पाती है। नाग के ऊपर कटे के निशान थे। वह अपने बच्चे को भी वहाँ नहीं पाती है। वह समझ जाती है कि पक्का किसान ने ही उसके पति की हत्या की है। मैं भी उसके पूरे परिवार को एक एक करके ख़त्म कर दूंगी। नागिन बहुत क्रोध में आ जाती है और अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। यही सब सोचकर नागिन एक बार किसान के घर जा पहुँचती है। किसान के घर में एक छोटा लड़का भी था जो एक पालने में झूल रहा था, और दूसरे पालने में उसका पुत्र अर्थात नाग का बच्चा भी खेल रहा था। नागिन क्रोध में आकर किसान के बच्चे को डस लेती है और वापस आ जाती है। नागिन को अपने बच्चे की भी जानकारी हो जाती है। अब नागिन को पूरा विश्वास हो गया कि पक्का उसके पति की हत्या किसान ने ही की है। उधर किसान अपने बच्चे को यहाँ वहाँ दिखाता है, पर उसे कहीं आराम नहीं मिलता और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उस समय ज़्यादा डॉक्टरों की सुविधा भी नहीं थी। नागिन फिर दोबारा मौका पाकर किसान के घर में घुस जाती है और देखती है कि किसान अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखो, अपना लड़का तो चला गया, अब हम दोनों के लिए यह नाग का बच्चा ही लड़के के समान है। इसी का बढ़िया से लालन पालन करो और अब हम दोनों इसी के सहारे अपनी ज़िंदगी काट लेंगे। नागिन यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सोच में पड़ जाती है, भला यह कैसे एक आदमी नाग के बच्चे के बारे में ऐसे कह रहा है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है और वह किसान के घर दोबारा आने का प्लान बनाती है। प्रिय दर्शकों, फिर दोबारा नागिन किसान के घर जा पहुंचती है। अब की बार बदले की भावना लेकर नहीं जाती है, अब की बार वह अपने बच्चे को देखने जाती है कि वास्तव में किसान उसके बच्चे से लाड़ प्यार करता है या सब दिखावा, पर ऐसा नहीं था। किसान और उसकी पत्नी उसके बच्चे को बहुत प्यार करते थे और उसके बच्चे को अपना बच्चा मानते थे। यह सब देखकर नागिन बहुत दुखी हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पति की हत्या किसान ने जानबूझकर नहीं की होगी, क्योंकि जब वह मेरे बच्चे को इतनी अच्छी तरह से रख सकता है तो मेरे पति की हत्या वह क्यों करेगा। प्रिय दर्शकों, नागिन इच्छाधारी नागिन थी और नाग वैसे भी भोले बाबा के करीबी होते हैं। नागिन भोले बाबा से प्रार्थना करती है, हे प्रिय, मैंने एक किसान के बच्चे को बेवजह डसा जो कि निर्दोष था। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हो जाए। कुछ ही दिनों बाद एक आदमी और औरत उस किसान के घर भागते हुए आते हैं और किसान से कहते हैं, प्लीज मेरा बच्चा बचा लो, मेरे पीछे डाकू पड़े हुए हैं, वो मेरे बच्चे को मार देंगे। किसान उसके बच्चे को ले लेता है। वो दोनों आदमी और औरत वहाँ से
भाग जाते हैं। अगले दिन किसान खेतों पर जाता है और उन दोनों को मरा पड़ा हुआ पाता है। उसके बच्चे का भी लालन पालन वह किसान करता है। नागिन इच्छाधारी नागिन थी, उसके पास मड़ी थी। इच्छाधारी नाग नागिन अपना रूप बदल सकते हैं। नागिन औरत का रूप बनाकर किसान के घर आती है और किसान से कहती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, घबराना नहीं, मैं औरत नहीं एक नागिन हूँ और तुम्हारे बच्चे की जान मैंने ही ली थी, पर वो सब भूल जाओ, मैं तुम्हें एक चीज़ देने आई हूँ। लो, यह कहकर नागिन किसान को मड़ी दे देती है और कहती है, इसको किसी को देना नहीं, अपने घर पर ही रखना, तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की कोई भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। और हाँ, ये नाग का बच्चा मेरा ही बच्चा है, लेकिन आज से तुम्हारा है। सुनो, हमारी प्रजाति बहुत ही खतरनाक और जंगली प्रजाति है, इसे ज़्यादा लगाव मत लगाना। तुम्हारे घर में एक और बच्चा है ना, मूल रूप से उसको अपना बच्चा मानना, फिर भी कहीं गलती से ये किसी को काट लेता है तो जो मैं नागमढ़ी दी है तो मैं उसको कटे हुए निशान पर कुछ देर के लिए लगा देना, ये मड़ी उस व्यक्ति का सारा जहर चूस लेगी। यह कहकर नागिन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारी मोह माया छोड़कर उसी स्थान पर जहाँ नाग की मृत्यु हुई थी अपना फन पटक पटक कर जान दे देती है। प्रिय दर्शकों, हमें इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के समय में हर आदमी बदले की भावना से कार्य कर रहा है, जैसे नागिन ने किया था, किसान के लड़के को डसकर। नागिन को लगा कि किसान ने उसके पति की हत्या की थी। हाँ, किसान के हाथों से उसके पति की मृत्यु जरूर हुई, पर लेकिन उसके पति की हत्या जानबूझ के नहीं की थी। बदले में नागिन ने उसके लड़के की हत्या जानबूझ के की, फिर बाद में उसको पछतावा भी हुआ। लेकिन बाद में पछतावा करने से मिलता क्या है? कुछ नहीं। प्रिय दर्शकों, अंत में मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि कभी भी कोई काम बदले की भावना से ना करें, फिर वो काम चाहे अच्छा हो या बुरा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की मज़ेदार और मोटिवेशनल कहानी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।